दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि अगर आपने गोट फार्मिंग शुरू कर दी है या जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आप दिन प्रतिदिन उन्नति कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। आज इस वीडियो में आप सभी को मैं कुछ नया दिखाने वाला हूँ, नया बताने वाला हूँ। इसीलिए मैंने इस वीडियो को सोचा कि आपको बना करके इसका अपडेट दिया जाए। एक अपडेट है हमारे अथर्व गोट फार्म की तरफ से। कल मकर संक्रांति के दिन हमारी दो बकरियों ने बच्चा दिया, उसके दो दिन पहले एक बकरी ने और बच्चा दिया था। इन सबको मैंने अभी वीडियोस के माध्यम से आपको नहीं दिखाया है, वही मैंने सोचा कि आप सभी को दिखाया जाए। ये कह लीजिए कि सेक्शन वो है जहाँ पर जो माएँ होती हैं, जो बच्चा दे चुकी होती हैं, देने वाली होती हैं, उनको कर दिया जाता है, या जो छोटे बच्चे होते हैं, ताकि जो बच्चे पैदा हों अगर ध्यान में ना आए, रात में पैदा हों, तो भी उन्हें कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले इस चैम्बर में आप देख लीजिए, इस बकरी को आप सबने देखा होगा अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं, काफ़ी समय से वीडियोस हमारे देखते हैं तो। और इसके दोनों बच्चे करीब करीब मान के चलिए 1.5 महीने के होने जा रहे हैं, बर्बरी है, प्योर बर्बरी, और फिर बढ़ेंगे इसकी तरफ, ये भी प्योर बर्बरी है। और बच्चे इसने दो दिए थे, दोनों मेल थे, लेकिन एक बच्चा इसका गड़बड़ ख़राब हो गया पैदा होते, मतलब वो मरा हुआ ही पैदा हुआ था। दूसरा बच्चा इसका ये है, अभी कल दिया है इसने बच्चा। इसका स्वास्थ्य देख सकते हैं, थोड़ा इसके साथ दिक्कत ये है कि ये पता नहीं क्यों अपनी जेर नहीं गिरा रही है। डॉक्टर को बुलाया गया है, डॉक्टर आते ही होंगे। और इसके अलावा ये बकरी, इसने बच्चा दिया था अभी 2 से 3 दिन पहले, दोनों बच्चे यहाँ पर हैं, दोनों फीमेल हैं, दोनों स्वस्थ हैं, थन भी किया है बकरी ने। फिर ये हमारी है लाल वाली बकरी, इसने भी दो बच्चे दिए कल के दिन में, दोनों मेल हैं, मतलब कल के दिन में जो तीन बच्चे हुए हमारे यहाँ पर स्वस्थ, वो तीनों मेल हैं, बच्चे दोनों स्वस्थ हैं और बकरी ने भी अच्छा थन किया है। पीछे दोनों पिछले सीज़न के बच्चे हैं, दोनों फीमेल हैं, हो सकता है क्रॉस हो गए हों या हो सकता है क्रॉस होने वाले हों। ये हमारे फार्म की दूसरी बकरी है, मतलब जो दूसरा बच्चा है, सबसे पहला बच्चा वहाँ पर बैठा हुआ है उस वार्ड में, ये दूसरा बच्चा है, ये भी कह लीजिए प्रेग्नेंट है, अगले 1.5 से 2 महीने में भी बच्चा देने वाला है। ये दोनों बकरे हैं, अगर आप अपडेट हैं हमारे फार्म के पिछले वीडियोज़ से, तो ये दोनों बकरे हमारे करीब दो दो ढाई ढाई महीने के होने जा रहे हैं। ये है बच्चों का सेक्शन, और इधर बाकी सब जानवर एक साथ तसल्ली से बैठ जाते हैं। जानवर अपने सभी स्वस्थ हैं मेरे इस समय, क्योंकि इनकी खिलाई पिलाई पर विशेष ध्यान दिया गया है। अब इनको मैंने चराई कह लीजिए 90% तक बंद करके स्टॉल फीड पे ही कर दिया है। चराई कभी कभार घूमने के लिए लोग निकल जाते हैं चरने, बात अलग है, बाकी चराई पर से बकरियाँ अब एकदम बंद कर दी गई हैं। इनको ला करके मैंने भूसा, चूनी, गेहूं और खली, सरसों की खल सब मिला करके खिला दिया जाता है, और थोड़ा बहुत हरा पत्ता कहीं से काट के दे दिया गया तो दे दिया गया। ये इनकी अब इस टाइम डाइट है। उधर भी सारी बकरियां स्वस्थ हैं। आपको हमारे जानवर कैसे लगते हैं या हमारे वीडियोज़ कैसे लगते हैं हमें ज़रूर बताएँ। हमारे लिए कोई नया सुझाव हो तो आप हमें ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। कोई सवाल हो आपका मुझसे तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। बाकी किसी अर्जेंट इंक्वायरी के लिए या किसी भी तरह की बातचीत के लिए फ़ोन नंबर आपको दिए गए हैं, उन फ़ोन नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं, टाइम मिलते ही आपको रिप्लाई किया जाएगा। हाँ, एक आपसे छोटी सी और रिक्वेस्ट है मेरी कि कृपया अगर आपके कॉल का समय पर मैं उत्तर न दे पाऊँ तो आप नाराज़ मत होया करिए। कारण क्या है कि बहुत सारे काम रहते हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि किसी भाई ने कॉल किया, मैंने कहा 10 मिनट बाद कॉल करूंगा और मैं कॉल बैक नहीं कर पाता हूं। कारण क्या होता है, उसमें मेरे पास काम फंसा होता है, बाद में मेरे दिमाग से वो बात उतर जाती है। आप मेरे पास कई बार भी कॉल कर सकते हैं, अगर मैं हर 2-3 बार भी कहूँ कि भैया मैं कॉल करता हूँ तो भी आप कॉल करिए, जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं तुरंत ही आपको उसकी जानकारी तुरंत दूँगा, जो भी मुझे जानकारी होगी। तो मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। देखिए अभी 1-3 दिन का बच्चा है, खुद से ये सभी बच्चे अब दूध पी लेते हैं। 1 दिन का बच्चा अगर हो गया, आपने 1-2 बार दूध पिला दिया है उसे, तो आप
आपके बच्चे फिर खुद से दूध पीने लगेंगे। इस बच्चे को मैं भी खुद से अपने हाथ से दूध पिलाऊंगा, सफ़ेद वाले को। तो मिलेंगे फिर ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।